नई ईटी में 0% आरक्षण और एमपीपीएससी एनएचआरएम में 27% आरक्षण न देने पर ओबीसी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर दिनेश कुमार ने कहा कि ओबीसी महासभा को एनईईटी में 0% आरक्षण, एमपीपीएससी एनएचआरएम में 27% आरक्षण न देने पर ओबीसी महासभा 28 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। इसी के तहत जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण 51% लागू न करने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा 27% आरक्षण को लागू नहीं करने पर 13% आरक्षण रिजर्व किए जाने पर कम छात्रवृत्ति देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण न दिए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। 27% आरक्षण मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा है, 13% रोक रखा है, 14% ही दिया जा रहा है। तो हमारे बच्चों के साथ, छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इसमें, इस उपलक्ष में हम लोग 28 जुलाई को भोपाल जाके और मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे और अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। उसमें क्या पूरे मध्य प्रदेश से जो भी ओबीसी के स्टूडेंट छात्र वगैरह जो सभी लोग आने वाले हैं? नहीं, सभी लोग सभी जगह से आएंगे और जो जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है वो बच्चे भी आएंगे और सारा जो भी संगठन है समर्थन करेंगे ओबीसी वर्ग, वो सभी लोग। कितने लोग होंगे जाने? शिवरी से लगभग हमारी 3-4 बसें जा रही हैं।